का जो कार्यक्रम है जिसके उपलक्ष्य में ये फॉर्म फिल कर रहे हैं उसके बारे में बताएं। ऐसा था जी, काफ़ी दिनों से हमारी टीम, ग्राउंड टीम नोटिस कर रही थी कि काफ़ी ऐसे घर हैं जिनका कोई कागज़ नहीं है या जिनके पास ऐसी कंडीशन हो चुकी है, इस टाइम पे खाने की भी नौबत आ गई। तो हमने कुछ दिन पहले डीसी ऑफिस और चंडीगढ़ भी हमने अप्रोच की कि ऐसे घरों को हम इसको कैसे कवर कर सकते हैं। अब देखने वाली बात यह है कि इस मुश्किल टाइम में भी हम लोग राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे। मेरी सबको हिदायत है कि राजनीति का बहुत टाइम मिलेगा, पर ये एक जंग है, इसको जंग की तरह लेके हम आगे बढ़ें। ये टाइम सहयोग का है, आपस में तालमेल बना के चलने का है, ना कि लोगों की परेशानियों पे अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का है। मेरी हिदायत सबको है, मैं भी एक सरकारी अदारे में काम कर चुका हूं और आज जब मैं ग्राउंड पे आके देखता हूं तो सरकार हमारी यहां पे एब्सेंट दिखती है। और मैं बड़ा कैटेगोरिकल होके इसको कहना चाहता हूं कि यही मौका है गवर्नमेंट को और गवर्नमेंट के ऑफिसर्स को, अब टाइम है, इनकी ज़रूरत है, लोगों को इनकी ज़रूरत है। ऐसे ऐसे घर हैं जहां पर किसी आदमी के पास कैपेसिटी नहीं है बाहर जाने की और बाहर जाके काम करने की, घरों में बैठे हैं। दिहाड़ीदार लोग थे, वो बाहर नहीं जा सकते, अब राशन खत्म होने के कगार पे आ गए। पर फिर भी मैं सबसे और लोगों से भी यही कहना चाहूंगा कि ये इस टाइम पे धैर्य बना के रखो। जंग में भी यही सिचुएशन होती है, जंग के दौरान भी यही होती है, जान हमने बचानी है। सब अपने घरों में रहें और अगर कोई दिक्कत आती है तो आप जैसे, आप मेहनती रिपोर्टर्स हैं ग्राउंड पे, आप लोग कवर कर रहे हैं। और मैं आज कहना चाहूंगा पूरे पंजाब, अगर मुझे कोई सुन रहा होगा, कि हम ये वेब चैनल्स के थ्रू ही अपनी बात पहुंचा पा रहे हैं और इन्हीं से हमें आज इन्फॉर्मेशन मिल रही है। अगर हम बात करें नेशनल मीडिया की तो वो सिर्फ कोरोना को कवर कर रहे हैं, पर आप लोग, मैं थैंक्स देना चाहूंगा आप वेब चैनल्स को, वेब मीडिया को और ग्राउंड पे काम करने वाले लोगों को, जैसे कुलदीप, मिस्टर कुलदीप हैं IDF की, पठानकोट की ग्राउंड टीम पे हैं, जो लोगों के पास पहुंच रहे हैं। सो आपस में राजनीति ना करें, सहयोग का टाइम है, एक दूसरे को सहयोग करें, मिल मिलाप रख के काम करें और मुश्किल के टाइम से बाहर निकलें। देश रहेगा तो हम रहेंगे, देश नहीं होगा तो हमारी कोई वजूद नहीं, कोई राजनीति नहीं। और किसी तरह से अगर कोई शक है तो आप इटली को देख लो, घरों घरों में मुर्दे पड़े, वहां पे लाशें उठाने वाला कोई नहीं। आप सबको ये चीजें सोचनी चाहिए, ये देश हमसे चलता है, हम इस देश को चलाने के लिए आगे आ रहे हैं और जो लोग आगे आ रहे हैं उनका सहयोग किया जाए। ये मैं सारी एडमिनिस्ट्रेशन से कहना चाहूंगा, वह आपकी जरूरत है, आपको ग्राउंड पे आना चाहिए। ये देश पॉलिटिक्स में रहते हुए लोग एक हद तक चला सकते हैं, पर जो ग्राउंड तक जाने की जरूरत आज एडमिनिस्ट्रेशन की है और उन लोगों को आगे लाया जाए जो ये काम कर सकते हैं, ना कि हम किसी पॉलिटिकल एफिलिएशन वालों को देखें। इसी के साथ ही मैं फॉर्म भरने के दौरान कोई सर दिक्कतें आ रही हैं और वो दिक्कतें अभी तो हम खुद इसको मैनेज कर रहे हैं, खुद देख रहे हैं और ग्राउंड में जो इन्फॉर्मेशन मिलती है उसको वेरीफाई कर रहे हैं। पर इसमें दिक्कत ये भी आती है कि कुछ अनवांटेड लोग भी अपने नाम डलवाना चाहते हैं। मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जिन लोगों के पास अपने सिस्टम को चलाने की कैपेसिटी है वो लोग इसमें अभी अपने फॉर्म्स में नाम ना लिखवाएं। ये उन लोगों के लिए है जो प्रवासी मजदूर हैं या जिनके पास कोई घर का साधन नहीं है, कमाने का सिस्टम नहीं है, ये उनके लिए फॉर्म भरवाए जा रहे हैं। और ये भी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, मैं फिर से कहना चाहूंगा, किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से नहीं। सर, सरकार की ओर से गरीबों को कुछ मदद मिल रहा है, क्या उसमें भी राजनीति का कोई हाथ हो सकता है? सर देखो, बड़ी बदकिस्मत सिचुएशन बन चुकी है इस टाइम पे कि हमारे को राशन मिलने की डेट दी गई थी 30, फिर बढ़ती बढ़ती 2, अब बढ़ के 5 कर दी गई है। जिन लोगों को राशन मिलता जा रहा है बहुत अच्छी बात है, पर सिचुएशन जो है ग्राउंड पे वाकई परेशान करने वाली है और अगर इसमें राजनीति हो रही है तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है। लोगों के साथ, हमारी जनता के साथ राजनीति का ये समय नहीं है, ये दुख का टाइम है। हम सबको सहयोग करने का और मेल मिलाप रख के काम करने का टाइम है। अगर कोई राजनीतिक सोच के साथ बांटना चाह रहा है राशन, तो मैं आपको बता देता हूँ, आप अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ा मार रहे हैं।